नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट, और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। बड़ी खबर का रुख करते हैं। राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, 10वीं और 12वीं की कक्षा की परीक्षा स्थगित कर दी गई। गोविंद सिंह डोटासरा ने फर्स्ट इंडिया को एक्सक्लूसिव जानकारी दी और कहा कि 10वीं और 12वीं के बोर्ड को स्थगित किया गया है, 8वीं 9वीं और 11वीं के स्टूडेंट्स को प्रमोट किया गया है। कब तक स्थिति होगी परीक्षा, ये कोरोना पर निर्भर करता है, लेकिन स्थिति देखते हुए 15 दिन बाद एक बार फिर से समीक्षा की जाएगी और उस समीक्षा के अंदर ये तय किया जाएगा अगर कोरोना कंट्रोल में है तो फिर बोर्ड एग्जाम कराए जा सकते हैं, लेकिन अगर कोरोना की रफ्तार नहीं थमती, कोरोना अनकंट्रोल रहता है जैसा अप्रैल के महीने में दिखाई दे रहा है, तो फिर मुमकिन कि 10वीं बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द कर दिया जाए और 12वीं को लेकर 1 मई को फैसला किया जाए। लेकिन इस दौरान शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने फर्स्ट इंडिया से बातचीत की, एक्सक्लूसिव जानकारी दी और कहा कि 10वीं और 12वीं के बोर्ड को स्थगित कर दिया गया है, लेकिन 8वीं 9वीं और 11वीं के स्टूडेंट्स को प्रमोट किया गया है, यानी आकलन के आधार पर बिना परीक्षा के उनको अगली कक्षा में भेज दिया गया है। 8वीं के बच्चे 9वीं कक्षा में, 9वीं के 10वीं में और 11वीं के 12वीं कक्षा में बिना एग्जाम के पहुंच गए। सवाल यह भी था कि आखिर कब तक स्थगित किया जाएगा बोर्ड एग्जाम को, तो इस सवाल के जवाब में गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि ये सब कोरोना पर निर्भर करता है, कोरोना अगर कंट्रोल में होता है, जनता सहयोग करती है, मास्क का इस्तेमाल करती है और कोरोना की चेन टूटती है तो फिर एग्जाम होंगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसको आगामी बैठक के अंदर फैसला लिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए 15 दिन बाद समीक्षा बैठक की जाएगी और उस समीक्षा बैठक के अंदर ये तय किया जाएगा कि ये एग्जाम होने हैं या नहीं होने, लेकिन बच्चों के लिए वर्तमान स्थिति में राहत की खबर है क्योंकि बच्चे अभी तक कंफ्यूज थे कि एग्जाम होंगे या नहीं होंगे। अब उनको कम से कम यह स्थिति साफ हो गई है कि कम से कम अगले 15 दिन में एग्जाम नहीं होने है, तारीख नहीं आनी है, क्योंकि 10वीं और 12वीं की कक्षाओं को परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया। गोविंद सिंह डोटासरा ने फर्स्ट इंडिया को एक्सक्लूसिव जानकारी दी और कहा कि 10वीं और 12वीं के बोर्ड को स्थगित किया गया है, वहीं 8वीं 9वीं और 11वीं के स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दिया गया है। कब तक स्थगित रहेंगे परीक्षा, इस पर आगे फैसला लिया जाएगा। मेरे सहयोगी नरेश मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश, वैसे तो राजस्थान सरकार हर फैसले को पहले लेती है, लेकिन यहां क्या जिस तरीके से सीबीएसई ने 10वीं की बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द कर दिया, आपको लगता है कि 15 दिन के बाद जो समीक्षा बैठक होगी उसमें राजस्थान बोर्ड से भी जो 10वीं की परीक्षाएं उनको रद्द कर दिया जाएगा? देखिए विजेंद्र, ये कहना जल्दबाजी है, लेकिन फिलहाल कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देख के सरकार ने संवेदनशील फैसला लिया है। और आज जब 3.5 घंटे की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की थी तो उसमें शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद थे, और उसी वक्त केंद्र का भी फैसला आया था 10वीं की परीक्षा जो है सीबीएसई बोर्ड की रद्द करने का। तो उस बैठक में गोविंद सिंह डोटासरा ने सुझाव दिया था कि राजस्थान में भी तो 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड की परीक्षा है फिलहाल स्थगित की जाए और जो 8वीं 9वीं और 11वीं के जो बच्चे हैं उनको आगे प्रमोट किया जाए। साथ में सुझाव ये भी दिया था कि स्कूलों को, अब चूंकि पढ़ाई जो है वो पूरी हो चुकी है लगभग सेशन की, तो स्कूलों को फिर से बंद किया जाए। हालांकि इस बारे में अभी फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन माना यह जा रहा है कि आज देर शाम तक या कल तक इस बारे में भी फैसला ले लिया जाएगा कि जो स्कूलें हैं उनको बंद रखा जाए, क्योंकि जिस तरह से आज राजधानी जयपुर में हमने देखा 1000 से ज्यादा जो मामले सामने आए हैं और भयावह स्थिति आज की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी देखने को मिली आंकड़ों के माध्यम से और विशेषज्ञों की राय के आधार पे, तो ये मान लेना चाहिए कि आने वाले कुछ समय में, आज रात को या अगले 2 दिन में सरकार और कड़े फैसले लेगी, यानी स्थिति इस तरह की होने वाली है। विजेंद्र, अगर हम साफ साफ कहें कि लॉकडाउन तो नहीं होगा। विपक्ष के नेताओं से भी आज मुख्यमंत्री ने बातचीत की, धर्म गुरुओं से बातचीत की, उस दौरान कुछ आपको लग रहा है कि ऐसे सजेशन जो कोरोना को कंट्रोल करने में और कुछ सख्ती बरतने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं? तमाम धर्म गुरु, तमाम सामाजिक संगठन, तमाम जो कर्मचारी संगठन है, एनजीओ है, उनके जो प्रतिनिधि है, उन्होंने साफ तौर से ये कहा कि सख्ती की जरूरत है और सरकार जो भी फैसला करेगी सख्ती का उसके लिए वो तैयार है। वो पिछले साल की तरह तैयार है जब लोगों को भोजन पहुंचाया गया था, यानी सीधे सीधे संकेत जो है वो आज की बैठक में प्रतिनिधि ने दिया कि सरकार को बड़े फैसले करने पड़ेंगे और सख्त फैसले करने पड़ेंगे। भले ही विजेंद्र से मैंने कहा कि सरकार लॉकडाउन ना लगाए, लेकिन लॉकडाउन से कम जैसी स्थिति भी अब चलने वाली नहीं है। जिस तरह से प्रदेश में कोविड की स्थिति है, जिस तरह से महामारी लगातार फैलती जा रही है और भयावह रूप लेती जा रही है,
तो तमाम जो धर्म गुरु है उन्होंने ये भी कहा है कि अगर सरकार फैसला करती है धार्मिक स्थल को बंद करने के लिए तो उसके लिए भी तैयार है। साथ में ये भी राय दी गई कि जो गाइडलाइन अब तक जारी की गई है खासकर बाजार बंद कराने को लेकर या नाइट कर्फ्यू को लेकर उसको लेकर सख्ती की जाए, क्योंकि कई ऐसी जगह देखी गई है राजधानी जयपुर की बात करें, इन शहरों की बात करें, कि कागजों में गाइडलाइन तो है लेकिन उनकी पालना नहीं हो रही है क्योंकि सख्ती नहीं हो रही है। तो ऐसे में सख्ती की जो विशेष तौर से जो है वो आज की जो वीसी है 3.5 घंटे की उसमें मांग उठी। और उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने कोर ग्रुप के जो अधिकारी उनसे बातचीत की है, चर्चा की है, और माना यह जा रहा है कि अगले 1-2 दिन में धीरे धीरे करके कुछ ऐसे सख्त फैसले होंगे। और जो संकेत मिले हैं वो ये भी मिले हैं कि जब तीनों विधानसभा उपचुनाव हो जाएंगे, मतदान हो जाएंगे, उसके बाद कुछ और कठोर कदम है वो प्रदेश में उठाए जाएंगे। अब ये कह रहे हैं कि 17 अप्रैल के बाद काफी हिस्सों में लॉकडाउन दिखाई दे सकता है। लॉकडाउन तो नहीं होगा विजेंद्र, लेकिन लॉकडाउन से कम जैसी स्थितियां भी नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह से राजस्थान में स्थितियां बनती जा रही है, जिस तरह से लगातार जो मामले सामने आ जा रहे हैं, क्योंकि देखिए एक जो अगर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो विजेंद्र सरकार ने खूब मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किए हैं, लेकिन हर एक जो इस तरह की सुविधा है उनकी सीमा होती है और उस सीमा के बाद किसी के नियंत्रण में नहीं होता। और यही बात आज जो प्रतिपक्ष के नेता है राजेंद्र राठौड़ और जो सतीश पूनिया है वो भी इस विषय से जुड़े थे, उन्होंने भी यही कहा था कि सरकार जो भी फैसला करे इस कोरोना की लड़ाई से लड़ने के लिए उसमें वो साथ है, क्योंकि महत्वपूर्ण बात यह है कि महामारी की जो जंग है वो अस्पतालों में नहीं लड़ी जा सकती, महामारी की जंग आम जन के सहयोग से और बाहर लड़ी जा सकती है, क्योंकि जब महामारी फैलती है तो तमाम जो साधन है, तमाम जो सुविधा है वो सीमित रह जाती है, छोटी पड़ जाती है। ऐसे में अगर लोग साथ नहीं देंगे इस लड़ाई में तो उसको जितना मुश्किल है, क्योंकि ये जो स्थिति है विजेंद्र, ये पिछले साल की है कहें जो पहली लहर है उससे बहुत भयानक स्थिति है। और जिस तरह से आंकड़े लगातार अचानक पड़े हैं, क्योंकि आज जो आंकड़े पेश किए गए थे वैभव गालेदे की तरफ से उसमें ये कहा गया था कि जो पहली वेव थी उसमें धीरे धीरे जो संक्रमणों की संख्या बढ़ी थी, संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ी थी, लेकिन अगर इस दूसरी वेव की बात करें तो पिछले 10 दिन में 10 गुना मरीज बढ़ रहे हैं जी। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश में क्या स्थिति है। तो अच्छा, नरेश, बच्चों के लहजे से मैं एक सवाल कर रहा हूं, क्योंकि CBSE ने 10वीं बोर्ड एग्जाम को रद्द कर दिया है। राजस्थान सरकार कह रही है कि हम 10वीं बोर्ड के एग्जाम को स्थगित कर रहे हैं, क्या ये कंफ्यूजन नहीं? देखिए दोनों बोर्ड के अलग अलग उनके कराने का तरीका होता है, और चूंकि परीक्षा की बात है तो अभी ये देखा गया कि फिलहाल स्थगित रखे, जब जरूरत पड़ेगी तो 10वीं परीक्षा है उसको रद्द भी किया जा सकता है भविष्य में, क्योंकि अभी जल्दबाजी इसकी नहीं है कि उसको अभी ये फैसला करें कि हम रद्द ही कर रहे हैं। फिलहाल बात यह है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए उसको अभी परीक्षा ना कराए। अगर समय, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे